हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य भानुभारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइंस, और इसमें हम पढ़ रहे थे अबाउट दिस साउथ अफ्रीका टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान, एक नए संविधान की तरफ या एक नए संविधान का निर्माण। जैसा कि हमें पता है कि साउथ अफ्रीका में कौन सी पॉलिसी अपनाई गई थी, वहाँ पे वाइट्स ने यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा अपार्थाइड यानी कि रंग भेद की। अब आज़ाद होने के बाद उनका नया संविधान कैसे बना और कैसे नए संविधान की ओर गए वो। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैज़ इंक्रीज, जैसा कि जो संघर्ष थे और विरोध थे वो अपार्थाइड के यानी कि रंग भेद नीति के खिलाफ बढ़ते जा रहे थे। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन, और अब सरकार को भी यह महसूस हो गया था कि अब वो काफ़ी लंबे समय तक ब्लैक यानी कि अश्वेत लोगों को दबा के नहीं रख सकते हैं। द वाइट रेजिम चेंज द पॉलिसीज, और वाइट रेजिम्स ने यानी कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, नीतियों को बदला। एंड डिस्क्रिमिनेशनरी लॉ वर रिपील्ड, और जो भेदभाव वाले जो कानून थे उनको दोबारा से बदला गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, और राजनीतिक दलों के ऊपर जो बैन लगा रखा था और जो बंदिशें लगा रखी थी मीडिया के ऊपर, वर लिफ्टेड, उनको हटा दिया गया। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 28 साल की कैद के बाद नेल्सन मंडेला वॉक आउट ऑफ द जेल एज ए फ्री मैन। नेल्सन मंडेला जेल से बाहर निकले फाइनली एट द मिड नाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, और अंत में 26 अप्रैल 1994 को आधी रात को द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफर्ल्ड। साउथ अफ्रीका का एक नया झंडा उसको क्या किया गया, लहराया गया। एंड मार्किंग द न्यूली बोर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जिसका मतलब ये हुआ कि संसार में एक नया लोकतांत्रिक देश का जन्म हुआ। एंड द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, और इस प्रकार जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी उसको क्या हो गया, खत्मा हो गया। एंड पेविंग वे टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, जिससे क्या हुआ कि अनेक प्रकार की मल्टी रेशियल गवर्नमेंट का निर्माण हुआ। हाउ डिड दिस कम अबाउट, यह कैसे हुआ, लेट अस हियर मंडेला। चलो मंडेला को सुनते हैं, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका के नए क्या थे, प्रेसिडेंट थे, प्रधान, वो राष्ट्रपति थे। ऑन हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन, और उसकी असाधारण बदलाव के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या बोला था। हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडिंग इन नेगोशिएटिंग ए पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी, उन्होंने बोला जो हमारे ऐतिहासिक जो दुश्मन थे वो क्या हो गए हैं, अब बातचीत करने में सफल हो गए शांतिपूर्ण। उन्होंने क्या कर दिया है, अपार्थाइड जो गवर्नमेंट थी उसको क्या कर दिया, उन्होंने ट्रांजिशन यानी कि बदलाव कर दिया, किसमें, लोकतंत्र में। एग्जैक्टली, बिकॉज वी वर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुडनेस इन द अदर्स, क्योंकि यह ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हमने क्या एग्जैक्टली क्या किया है कि हमारे अंदर इनहेरेंट है, कैपेसिटी है इस चीज़ की, अच्छाई की। माय विश इज दैट साउथ अफ्रीका नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस, और मेरे आशा यही होगी कि अच्छाई के विश्वास को ये साउथ अफ्रीकन कभी भी नहीं छोड़ेंगे। एंड दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बींग इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ अवर डेमोक्रेसी, और वो ह्यूमन बींग को क्या रखेंगे, हमारे देश के, हमारे लोकतंत्र का क्या बनाएंगे, कॉर्नर स्टोन यानी कि पत्थर वो बनाएंगे, सफलता का वो बनाएंगे, प्रतीक बनाएंगे। आफ्टर द इमरजेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर अपील टू फॉलो ब्लैक टू फॉरगिव द वाइट्स, और नया लोकतांत्रिक साउथ अफ्रीका बनने के बाद जो ब्लैक लीडर्स थे, जो यानी कि जो अश्वेत नेता थे,
उन्होंने अपील की इनको हेलो ब्लैक अपने साथियों की कि टू फॉरगिव द वाइट फॉर द एट्रोसिटी दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर, कि इन वाइट्स यानी कि इन श्वेत लोगों को माफ़ कर दो जो उन्होंने एट्रोसिटीज यानी कि जो अत्याचार किए थे जब वो सत्ता में थे, उसके लिए उनको माफ़ कर दो। एंड दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका, और उन्होंने बोला चलो हम एक नए साउथ अफ्रीका का निर्माण करते बेस्ड ऑन इक्वालिटी, जो कि समानता के ऊपर आधारित होगा, ऑफ ऑल रेसिस मैन एंड वीमेन, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, सामाजिक न्याय होगा और ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकारों की तो क्या होगी, इक्वालिटी होगी, समानता होगी। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू रिप्रेशन एंड ब्रूटल किलिंग एंड द पार्टी दैट लेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉप ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्टी है दैट रूल थ्रू ऑपरेशन, जिन्होंने बदलाव यानी कि दमनकारी एंड यानी कि ब्रूटल किलिंग की थी, यानी जिन्होंने निर्मम हत्याएं की थी, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, और वो पार्टी जो कि जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष को शुरू किया था, सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, वो दोनों मिलकर बैठे और उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, यानी कि एक आम कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि उन्होंने क्या किया है कि दोनों ने मिलकर, यानी कि अंग्रेजों ने भी यानी कि श्वेतों ने भी अश्वेतों ने भी दोनों पार्टियों ने मिलकर क्या किया है, एक साझा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का निर्माण किया है। आफ्टर टू इयर्स ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, दो साल की बातचीत के बाद दे केम आउट विद द वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज एवर हैड, और उन्होंने एक संसार का सबसे अच्छा संविधान का निर्माण किया। एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सपेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री, और इस संविधान ने हर नागरिकों को मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स दिए, यानी कि बहुत ही पर्याप्त यानी कि बहुत ही व्याप्त क्या दिए हैं, अधिकार दिए हैं पूरे संसार पूरे कंट्री में। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन सर्च फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, और साथ ही साथ में उन्होंने यह निर्णय लिया कि किसी भी समस्या के निवारण के लिए कोई किसी को भी एक्सक्लूडेड यानी कि किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज ए डैमन, और किसी को भी एज ए डैमन यानी कि राक्षस की तरह उससे बर्ताव नहीं किया जाएगा, जैसे जानवरों के साथ करते थे ना, वहाँ पे श्वेत करते थे अश्वेत के साथ, जबकि अंग्रेज लोग करते थे इनके साथ। एंड दे एग्रीड दैट एवरीबॉडी शुड बिकेम ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, और इस बात पे भी सहमत हो गए कि हर कोई इन सॉल्यूशंस में इन समस्याओं के निवारण में उसका भागीदार होगा, वट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, जो कि उन्होंने पास्ट में किया था। द प्रीएम्बल इन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सी पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 में देखना, जहाँ पे प्रीएम्बल दिया गया है सम ऑफ दिस स्पिरिट, जिसको इस स्पिरिट को यानी कि जो उनके जो विचार थे उसको सम ऑफ करता है उनका प्रीएम्बल जो आपने पीछे पढ़ा था। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, साउथ अफ्रीकन जो संविधान है वो हर प्रकार के जो डेमोक्रेट हैं यानी कि जितने भी संसार के लोकतांत्रिक हैं उन लोकतंत्र के समर्थक हैं उनको क्या करता है, प्रेरित करता है। ए स्टेट डिनाउंस बाय द एंटायर वर्ल्ड टिल 1994, एक देश जिसको 1994 तक क्या किया गया संसार में उसको क्या की गई है, डिनाउंस यानी कि निंदा की गई थी एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक, जो कि बहुत ही अलोकतांत्रिक था, वन इज नाउ सीन एज द मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, आज वह लोकतंत्र का एक मॉडल यानी कि आदर्श के तौर पर दिखाई देता है। What made this change possible was determined of the people of South Africa. और इस change यह change कैसे संभव हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ हुआ है लोग साउथ अफ्रीका के लोगों के द्वारा जो कि मिलकर कार्य करते हैं। And to transform bitter experiences into binding glue of rainbow nation. और यह
और कैसे उन्होंने पूरे संसार पूरे राष्ट्र को बांधा है एक रेनबो यानी कि रेनबो रूपी नेशन को कैसे उन्होंने एक किया है। स्पीकिंग ऑन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन मंडेला सेड, साउथ अफ्रीका के संविधान के ऊपर बोलते हुए मंडेला बोलते हैं नेल्सन मंडेला जी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक ऑफ द बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर, यानी कि साउथ अफ्रीका का जो संविधान है वो पास्ट और फ्यूचर यानी कि भूतकाल और भविष्यकाल दोनों के बारे में बोलता है। ऑन द वन हैंड इट इज ए सोलमन पैक्ट इन विच वी, एक तरफ तो क्या होता है कि इसमें एक समझौता हुआ है बड़ा ही प्यारा सा, एट साउथ अफ्रीकन डिक्लेयर द वन अनदर दैट विल नेवर, जैसे कि साउथ अफ्रीका वालों ने डिक्लेयर कर दिया है कि वी शैल नेवर परमिट ए रिपीटेशन ऑफ आवर रेसिस्ट, हम अपने यहाँ पे किसी भी प्रकार का रेसिस्ट नस्लीय या ब्रूटल एंड रिप्रेशन यानी कि जो रिप्रेसिव पास्ट जो हमारा पुराना जो इतिहास था दमनकारी उसको नहीं हम रिपीट करेंगे, बट इट इज मोर देन दैट इट इज ऑल्सो ए चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंट्री, और यह हमारे देश के बदलाव का क्या है एक चार्टर है, इन टू वन विच इज ट्रूली शेयर्ड बाई ऑल इट्स पीपल, जो कि इसके नागरिक सब लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा साझा किया जाएगा, ए कंट्री विच इज द फुलेस्ट सेंस बिलोंग टू ऑल ऑफ अस ब्लैक एंड वाइट वुमेन एंड मैन, यह एक ऐसा देश बनेगा जिसमें कि सारे के सारे सब इससे क्या है संबंधित है, जैसे इसके अंदर वाइट भी है ब्लैक भी है वीमेन भी है मैन भी है, यानी किसी के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। Does the story of South Africa's struggle for the freedom remind you of the national Indian national movement? क्या साउथ अफ्रीका का जो ये संघर्ष है साउथ अफ्रीका के लोगों का क्या वो आपको भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट यानी कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में याद दिलाता है? Make a list of similarity and dissimilarity between the two of the following points. तो इन दोनों के बारे में क्या समानता है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में और अफ्रीका के क्या समानता है और क्या असमानता है उसके बारे में एक लिस्ट बना। जैसे पहला पॉइंट है ये नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशी सरकार का प्रकार किस प्रकार का कार्य था उनका किस प्रकार से कर रहे थे, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़ और अलग अलग समुदाय के बीच में क्या क्या संबंध है, लीडरशिप गांधी एंड मंडेला गांधी और मंडेला के बारे में कंपेयर करो, पार्टी दैट लीड द स्ट्रगल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इनका कंपेयर करो, मेथड ऑफ स्ट्रगल और संघर्ष का उनका तरीका क्या था इसके बारे में आप एक वो बनाओ लिस्ट और वहाँ पर कंपेयर करो इंडिया का और साउथ अफ्रीका का जो फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल मूवमेंट था उसमें क्या क्या समानताएं थी और क्या क्या असमानताएं थी। ओके, कल हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, आज हमने पढ़ा अफ्रीका का यानी कि अफ्रीका का जो संविधान है उसके बारे में हमने पढ़ा किन संघर्षों से उसका निर्माण हुआ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।